हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे किचन में। ये जितिया के शाम का वीडियो है और यहीं से मेरा वीडियो शुरू होता है। तो शाम में हम लोग सारा सब्जी लेकर बैठ गए काटने के लिए, और सब्जी में कोहड़ा है, बोदी है, झिंगी है, नूनी साग है, केला है, ओल है। सारे सब्जी को अच्छे से कट कर लिए। इधर सुबह हो गई और हम गर्म पानी करके पीने लगे। किचन को क्लीन कर लेते हैं। किचन क्लीन करने के बाद बर्तन वॉश कर लेंगे। जितिया के पारण में हमारे यहाँ 7 से 8 तरह की सब्जी बनती है। इसी के लिए हम लोग सारा तैयारी शाम में ही कर लिए थे, ताकि सुबह में जल्दी से हम लोग खाना बना लें। और वैसे भी लेट से उठ गए थे। बर्तन भी क्लीन हो गए और इधर ओल लेकर कुकर में डाल दिए। फिर इसे चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए। इधर हम बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए और थोड़ा सा और बर्तन बचा हुआ था तो उसको भी क्लीन कर दिए। इधर ब्रश करने लगे, फिर सारा रूम में झाड़ू लगाने लगे। सारा रूम में झाड़ू लगा के दीदी के पास गए, बोले कि तुम भी उठ जाओ और सब्जी कुछ कुछ छौको, तब तक हम नहा कर आते हैं। फिर हम नहाने चले गए, दीदी इधर कोहड़ा और साखिन का सब्जी छौक दी। ये कोहड़ा है और इधर साखिन है। कोहड़ा हमारा बन गया था और साखिन चढ़ा हुआ था। फिर हम लोग दूसरा सब्जी बनाएंगे। और इधर सारा मसाला भी पीस ली थी, जिसमें कि एक जीरा गोल की और धनिया का पेस्ट था, और एक में टमाटर का और एक लहसुन और अदरक का। इधर हम ओल को फिर से ऊपर से एक बार छील ले रहे हैं और फिर तलने के लिए कढ़ाई पे डाल दिए। इधर मेरा ओल फ्राई होने लगा। फिर हम अपने गार्डन में गए। ये मेरा छोटू सा गार्डन है, जिसमें हम पोए का साग रोपे हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे से पत्ता आ गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और इधर हम पकौड़ी तलने लग गए। पकौड़ी में पोए का साग डाले हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। और इधर हमारा सारा खाना बनकर रेडी हो गया है। और सारा खाना का वीडियो नहीं ले पाए। और इधर हमारा चावल बन गया, चावल है। और इधर कोहड़ा है, कोहड़ा सूखी सूखी सब्जी। और इधर ओल की सब्जी है, जो कि बहुत टेस्टी लग रही है। इसके सामने तो नॉनवेज भी फीकी पड़ जाती है। और एक केला और बोदी और आलू का सब्जी है। और ये दाल, और ये है साखिन की सब्जी, और ये है नुन्नी साग और चना और सतपुतिया झिंगी की सब्जी, और ये है पकौड़ी, और ये है पापड़ और चिप्स। और इधर मम्मी जो पत्तल सिली थी, उसी में सारे पूर्वजों के नाम से खाना दे रही है। और फिर हम लोग छत जाएंगे ऊपर देने के लिए। इधर हम लोग छत आ गए हैं और देखिए यहाँ के मौसम कितना सुहाना लग रहा है। और फिर मम्मी खाना दे दी और फिर इधर पानी भी दे रही है। और हम लोग दिया भी लेकर आए थे, लेकिन ऊपर में बहुत हवा चल रही थी, इसलिए दिया नहीं जला पाए। फिर हम लोग नीचे आ गए तो मम्मी नाम से दिया जलाकर बालकनी में रख दी। और फिर इधर मम्मी के लिए थाली रेडी किए। देखिए कैसा लग रहा है देखकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मम्मी और पापा खाना मिलकर खाने लग गए। और किचन भी पूरा बिखरा हुआ था, तो फिर किचन में पूरा क्लीन कर लिए किचन को, बर्तन भी वॉश कर लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।